गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल रीड लैसन नंबर 11। जरूरी हन खेडां। पाठ दा उद्देश खेडां दे लाभ दर्शाउणे ते नियमां अधीन खेडां खेडण दी प्रेरणा देणी। इस पाठ नूं पढ़न दा साडा की उद्देश है कि खेडां दे की लाभ हन उस बारे दसना अते हर एक खेड नूं नियम दे अधीन खेडण दी प्रेरणा देणी। अपने शरीर नूं चुस्त फुरत अते तंदुरुस्त रखण लई खेडना अत जरूरी है। सियाणियां ने कहा है कि एक तंदुरुस्त शरीर विच ही एक तंदुरुस्त मन निवास करता है। तंदुरुस्त मीन्स सेहतमंद, निवास मीन्स रहना। अपने शरीर नूं चुस्त फुरत अते सेहतमंद रखण लई खेडना की है बहुत ही जरूरी है। अत मीन्स बहुत बहुत जरूरी है। सियाणे ठीक ही कहिंदे हन कि एक तंदुरुस्त शरीर, जेकर साडा शरीर तंदुरुस्त है तो उस विच ही एक तंदुरुस्त मन निवास करता है। मीन्स कि जे साडा शरीर तंदुरुस्त है तां ही साडा मन तंदुरुस्त है। खेडां वख-वख तरह दियां हुंदियां हन। कुछ खेडां असीं घर अंदर अपने भैण भरावां, मित्रां अते माता पिता नाल भी खेड सकदे हां, जिवें कि लूडो, कैरम बोर्ड अते चैस आदि। खेडां बहुत तरह दी हुंदियां ने, वख-वख तरह दी खेडां हन। जिवें कि कुछ खेडां असीं अपने घर अंदर अपने भैण भरावां नाल, अपने मित्रां दोस्तां नाल, अपने माता पिता नाल भी खेड सकदे हन। कुछ खेडां अजिहियां हन जो कि असीं घर दे अंदर ही खेड सकदे हां। उह किहड़ियां-किहड़ियां हन? जिवें कि लूडो, कैरम बोर्ड अते चैस आदि। इह कुछ खेडां अजिहियां हन जो असीं अपने घर दे अंदर बैठ के ही खेड सकदे हां। कुछ खेडां सिर्फ मैदान विच ही खेडियां जांदियां हन, जिवें हाकी, सॉफ्टबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल अते पिन पिन दौड़ां आदि। कुछ खेडां अजिहियां हन जो कि असीं घर दे अंदर नहीं खेड सकदे, उन्हां नूं खेड दे मैदान विच ही खेडिया जा सकता है। जिवें कि कुछ खेडां दे नाम दिते हुए हन, इह खेडां अजिहियां हन जो कि असीं सिर्फ खेड दे मैदान विच ही खेड सकदे हां। खेड कोई भी होवे साडे शरीर अते मन नूं चुस्ती फुरती प्रदान करदी है। मैदान विच खेडां खेडदे हुए सानूं बहुत सारा पसीना आउंदा है, जिस नाल शरीर दे मुसाम खुलदे हन अते असीं हल्के फुलके महसूस करन लगदे हां। खेड कोई भी हुंदी है, कोई भी असीं खेड खेडदे हां, उह साडे शरीर नूं की है चुस्ती फुरती मीन्स तेजी, साडे शरीर विच चुस्ती फुरती आउंदी है। असीं हर एक खेड नूं खेडदे हुए अपने आप नूं चुस्त महसूस करदे हां, मीन्स कि साडा शरीर तंदुरुस्त।